हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम वित्तीय बजट 2022-23 से संबंधित अति महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। यदि आपने वीडियो को पूरा देख लिया तो मैं वादा करता हूं एक भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। मैं क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको 2 सेकंड का टाइम दूंगा जिसमें आप अपना आंसर गेस कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत का पहला बजट कब पेश किया गया था? आपका आंसर है 1947। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार एक वर्ष के केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है? आपका आंसर है अनुच्छेद 112। अगला क्वेश्चन, वित्तीय वर्ष 2022-23 के अनुसार कोर बैंकिंग सिस्टम पर कितने डाकघर आएंगे? आपका आंसर है 1.5 लाख। अगला क्वेश्चन, वित्तीय मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार कितनी बार केंद्रीय बजट पेश कर रही हैं? आपका आंसर है 4थी बार। अगला क्वेश्चन, किस योजना के तहत 1 क्लास 1 TV चैनल कार्यक्रम को 12 से बढ़ाकर 200 टीवी चैनल तक विस्तारित किया जाएगा? आपका आंसर है पीएम ई विद्या के तहत। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय बजट को 2022-23 को लोकसभा में किसने प्रस्तुत किया? आपका आंसर है निर्मला सीतारमण। अगला क्वेश्चन, पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान द्वारा कितनी नई पीढ़ी की ट्रेनें चलाने का लक्ष्य रखा गया है? आपका आंसर है 400 ट्रेनें। अगला क्वेश्चन, भारत ने बजट 2023 के तहत कृषि क्षेत्र में 2020-21 के मुकाबले कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? आपका आंसर है 0.3%। अगला क्वेश्चन, भारतीय वित्तीय बजट 2022-23 के अनुसार सरकार का प्रभावी पूंजीगत खर्च कितना है? आपका आंसर है 39.45 लाख करोड़। अगला क्वेश्चन, भारत ने बजट 2022-23 में पीएम गति शक्ति के तहत कितने 2023 तक कितने किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों को पूरा करने का लक्ष्य रखा है? आपका आंसर है 25,000 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार की कुल आय का कितना प्रतिशत इनकम टैक्स के द्वारा आता है? आपका आंसर है 15%। अगला क्वेश्चन, वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत कितने करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है? आपका आंसर है 19,000 करोड़। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2022-23 के अनुसार केन बेतवा लिंक परियोजना के तहत 9.1 लाख हेक्टेयर भूमि पर कितनी बिजली पैदा की जाएगी? आपका आंसर है 1300 मेगावाट। केन और बेतवा लिंक परियोजना में के बारे में थोड़ा सा आपको मैं डिस्कस कर दूं कि ये परियोजना केन नदी से स्टार्ट करके यूपी की बेतवा नदी से तक जोड़ा जाएगा। केन नदी आपकी जो है ये यमुना नदी की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन, भारतीय केंद्रीय बजट 2022-23 की थीम क्या है? इसका आंसर है चुस्त दृष्टिकोण। अगला क्वेश्चन, बजट 2022-23 के अनुसार अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के तहत कितने जिले में डिजिटल बैंकिंग इकाइयां स्थापित की जाएंगी? आपका आंसर है 75 जिले में। अगला क्वेश्चन, 2022-23 के बजट में डिजिटल करेंसी पर कितने प्रतिशत टैक्स लगाने की घोषणा की गई है? आपका आंसर है 30%। अगला क्वेश्चन, वित्तीय बजट 2022-23 के अनुसार नेशनल हेल्थ मिशन पर कुल कितने करोड़ खर्च करने का फैसला लिया गया है? आपका आंसर है
37,800 करोड़। अगला क्वेश्चन, घर घर नल से जल परियोजना के तहत कितने करोड़ घरों को कवर किया जाएगा? आपका आंसर है 3.5 करोड़। अगला क्वेश्चन, 2022-23 के बजट में कॉरपोरेट टैक्स को 18% से घटाकर कितने प्रतिशत करने की घोषणा की गई है? आपका आंसर है 15%। अगला क्वेश्चन, मेरे क्वेश्चन आपके लिए है, स्वतंत्र भारत की पहली महिला वित्त मंत्री कौन थी? आपका ऑप्शन है इंदिरा गांधी, निर्मला सीतारमण, सरोजनी नायडू। यदि आपको आंसर पता है तो आप कमेंट जरूर करें ताकि हमें भी पता चल सके कि आप कितनी पढ़ाई कर रहे हैं। और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।